और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार है जब काशी दौरे पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर ये जान लीजिए, पीएम मोदी काशी से 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे और पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, साथ ही गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। ये तैयारी उन्हीं के स्वागत की हो रही है। पीएम मोदी तीसरी बार सांसद और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज वाराणसी जाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन होगा, पूजन होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। पीएम मोदी वाराणसी में एक बड़े कृषि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां से वो देश भर के किसानों को 20,000 करोड़ की पीएम सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। पीएम 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को किश्त सम्मान निधि के तौर पर जारी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के रूप में सर्टिफिकेट भी देंगे। पीएम के दौरे की सभी तैयारियां लगभग फाइनल हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल दौरे को लेकर पूरे वाराणसी को भव्य तरीके से सजाया गया है। पीएम के स्वागत के लिए काशी के नमो घाट पर सैंड आर्ट भी तैयार की गई है। और अब बात करेंगे प्रियंका गांधी के इलेक्शन डेब्यू की। दरअसल राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली सीट को चुन लिया है, यानी कि राहुल गांधी अब रायबरेली से सांसद रहेंगे, वहीं प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। अब देखिए इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो भी तेज हो गई है। ये तस्वीर है रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न की। रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता ये जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट अपने पास रखी है। राहुल ने केरल की वायनाड सीट छोड़ दी तो वहीं कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड के रास्ते लोकसभा पहुंचाने की हरी झंडी दे दी, यानी जो वायनाड सीट राहुल ने छोड़ी वहां से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। बहुत खुश हूँ मैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी और जैसे उन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड। सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग फाइनल हो गई है। अगर वायनाड से गांधी जीतती हैं तो भाई बहन की जोड़ी अब लोकसभा में नजर आएगी। वहीं मां सोनिया गांधी राज्यसभा से कांग्रेस की आवाज को बुलंद करेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।